दर्शकों, आप तो ये जानते ही होंगे कि लंकाधिपति रावण महाज्ञानी था। उसने अपने बाहुबल से तीनों लोकों को जीत लिया था, परंतु देवी सीता हरण के कारण प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के परिवार में कौन कौन था, अर्थात उनकी कितनी रानियां थी या फिर उसके कितने पुत्र पुत्री और भाई बहन थे? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द डिवाइन टेल्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना किसी देरी के अब हम मिलकर जानते हैं रावण के परिवार के बारे में। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। रावण के माता पिता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंकाधिपति रावण महर्षि विश्वश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। महर्षि विश्वश्रवा की दो पत्नी थी। महर्षि विश्वश्रवा की पहली पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविदा थी, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ, जबकि विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी थी, जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सूर्पनखा उत्पन्न हुए। रावण के भाई बहन। वैसे तो रावण के दो भाइयों और एक बहन के बारे में सब जानते हैं, जिनका नाम कुंभकर्ण और विभीषण और सूर्पनखा था। लेकिन इन तीनों के अलावा रावण के पांच और भाई बहन थे, जिनके बारे में आज की पीढ़ी काफी कम जानती है। रावण के छह भाइयों का नाम विभीषण, कुंभकर्ण, कुबेर, अहिरावण, खर और दूषण था, जिसमें खर दूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर सगे भाई नहीं थे, जबकि दो बहनों का नाम सूर्पनखा और कुंभिनी था। कुंभिनी मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और राक्षस लवणासुर की माँ थी, जबकि सूर्पनखा का विवाह रावण ने कालका के पुत्र दानवराज विद्यु विवाह के साथ कराया था। रावण की पत्नियां। रावण की मंदोदरी नाम की पत्नी थी, इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रावण की मंदोदरी के अलावा दो पत्नियां और थीं, यानी कुल रावण की तीन पत्नियां थीं। पहली का नाम था मंदोदरी, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी उसकी मुख्य रानी थी, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, जबकि दूसरी पत्नी का नाम दम्य मालिनी था और तीसरी का नाम कहीं भी उल्लेखित नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि रावण ने ही उसकी हत्या कर दी थी। रावण की पत्नी दम्य मालिनी के बारे में कहा जाता है कि जब रावण सीता का स्वयंवर नहीं जीत पाया तो उसने रावण पर फिदा होकर अपना यौवन सौंपना चाहा था, ताकि उसकी हवस शांत हो सके, लेकिन रावण ने उसका आमंत्रण ठुकरा दिया था। बाद में रावण ने दम्य मालिनी से विवाह किया था। रावण के पुत्र और पुत्रियां। प्रचलित कथाओं के अनुसार इन तीनों रानियों से रावण के सात पुत्र थे, जिनमें पटरानी मंदोदरी से मेघनाद और अक्षय कुमार थे, जिसका वध हनुमान जी ने किया था, जबकि दम्य मालिनी से अतिक्या और त्रिशिरार और तीसरी पत्नी से तीन पुत्र थे, जिनका नाम प्रहस्ता, नरांतका और देवताका था। जहां तक रावण के दादा दादी की बात है तो रावण के दादा ब्रह्मा के पुत्र महर्षि पुलस्त्य थे और दादी का नाम हविर्वा था। इसके अलावा रावण के नाना का नाम सुमाली था और नानी का नाम ताड़का था, जबकि रांका, पुंड पोतकटा और कुभींशी उनकी मौसियां थीं। इसके अलावा रावण के परिवार में कई और लोग भी थे, मारीच और सुबाहु। यह दोनों लंका के राजा रावण के मामा थे और सुंड एवं ताड़का के पुत्र थे। सरमा रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण की पत्नी थी और उसकी बेटी का नाम त्रिजटा था, जिसे रावण ने देवी सीता की देखभाल के लिए हरण के पश्चात अशोक वाटिका में नियुक्त किया था। वहीं वज्रज्वाला कुंभकर्ण की पत्नी थी। सुलोचना रावण की पुत्रवधु यानी मेघनाथ की पत्नी थी। तो दर्शकों, ये था लंकाधिपति का पूरा परिवार, जिसमें विभीषण को छोड़कर उसके सभी भाई और पुत्र प्रभु श्री के साथ युद्ध में मारे गए थे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अभी लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही। अब हमें दें इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।